हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी। तो दोस्तों, बिहार एसईईआरटी साइंस की जो सिक्स क्लास की बुक है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज की इस वीडियो में हम लोग सेवन्थ क्लास की जो बुक है उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और चूंकि आपने देखा है कि सेवन्थ क्लास में मैं आपको श्योरिटी ये दे रही हूँ कि सेवन्थ क्लास की जितने भी चैप्टर हैं आपको उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा, सेवन्थ और एट्थ दोनों में ही, ठीक है। तो कोशिश ये करिएगा कि पूरी वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग ने कोशिश यही करी है कि इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को बताई जाए, तो उसके नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, अगर आपको अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सेवन्थ क्लास की जो साइंस है, बिहार एसईईआरटी वाली, ठीक है। इसका पहला जो चैप्टर है वो है जल और जंगल। तो यहाँ पर देखिए, पहली ही लाइन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, कि हम प्रतिवर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन यही आता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि जैसे कुछ स्थान है जहाँ पे जल की अत्यधिक कमी होती है, अब वहाँ पे पानी लेने के लिए या तो नालों में, मतलब कहने का है कि नालों में पानी नहीं आना, ठीक, पानी भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें हमें ग्रीष्मकाल के समय में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। क्योंकि सूखे की जब कंडीशन होती है तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अब ऐसी जो परेशानी है, तो इन सब से निपटने के लिए पहले तो हमें ये पता करना होगा कि हमारे यूज़ के लिए वाटर कितना, मतलब कितने प्रतिशत जो हमारे यूज़ के लिए। तो यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश की है कि अगर हम पूरे पृथ्वी के कुल जल की मात्रा को देखें और उसको हम एक बाल्टी में भर दें, तो हम ये कहेंगे कि बाल्टी में भरा हुआ जो जल है वो पूरे अर्थ पर जितने जल की मात्रा है उसके बराबर है। और उसी में ही जो मृदु जल होता है, जो हमारे यूज़ के लिए होता है, ठीक है, वो सिर्फ एक मग पानी है होगा, ठीक। यानी कि बाकी जो शेष पानी है वो समुद्र में भरा खारा पानी, जो हमारे इस्तेमाल में नहीं है। मृदु जल भी, अब ये जो मृदु जल जो हमारे यूज़ का है, वो भी हिमनद, ध्रुवीय बर्फ़ों और पहाड़ों की जो स्थायी बर्फ़ है, अधिकांश भाग तो उसी में ही चला जाता है। अब इसके अलावा, मतलब अब जाहिर सी बात है, बर्फ़ वगैरह के फॉर्म में तो हमें आसानी से तो उपलब्ध होएगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए और साथ ही साथ अब जो हमारे उपयोग में है वो भूमिगत जल, झील और नदियों का ही जल बचता है। तो ये कितने प्रतिशत है, 0.006% ही हमारे यूज़ में ईजिली प्रोवाइडेड है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे यूज़ में कितने ईजिली प्रोवाइडेड है जल की मात्रा, तो 0.006%, ठीक है। अच्छा, ये जल चक्र आपने सिक्स क्लास में देखा था कि जो जल चक्र है वो पृथ्वी पर वाटर लेवल को बैलेंस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे समुद्र वगैरह, आप इसका खारा जल का क्या ही काम होगा, लेकिन खारे जल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहीं से ही जो जल है, ठीक है, वो वाष्प बन करके उड़ता है। जब वो वाष्प बन करके, जलवाष्प बन करके ऊपर उठता है, तो क्या होता है कि ज़्यादा ऊंचाई तक जाते जाते वो ठंडा हो जाता है और छोटे छोटी ड्रॉपलेट के फॉर्म में बनने लग जाता है। यही ड्रॉपलेट किसका रूप ले लेती हैं, बादलों का रूप ले लेती हैं, ठीक है। अब चूंकि जब ये बादलों के फॉर्म में आ जाती हैं, तो इसमें जो खारापन था ना समुद्र का, वो यहाँ पे भाप के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट रहता है। फिर ये बादलों के रूप में जब ये होती हैं, तो जब ये बहुत ज़्यादा पानी की बूंदें भारी हो जाती हैं, यानी कि बादलों में बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, तो फिर ये वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आने लग जाती हैं। अब ये नदी तालाब हैं या पोखर हैं, ठीक है, मतलब गड्ढे हैं, कच्ची ज़मीन है, वहाँ पर जो जल गिरता है, तो अब ये जो ज़मीन है उसके द्वारा भी जो है इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और साथ ही साथ मतलब इसको पुनः जो है पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में वापस ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू आ जाता है। तो जल चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी जल चक्र में हम देखेंगे कि ये जो परिचक्रण हो रहा था, इसके दौरान हम जल की तीन अवस्थाओं को देखेंगे, ठोस, द्रव और गैस, ठीक। इसके रूप में पृथ्वी पर जल कहीं पर भी पाया जा सकता है। अब जैसे ठोस अवस्था में ध्रुवों बर्फ़ से ढके पर्वतों, हिमनदों में पाया जाता है ठोस अवस्था में, द्रव की अवस्था में महासागरों, झीलों, नदियों, इन सब में, और साथ ही साथ भौम जल यानी भूमिगत जल के रूप में मिलता है। गैसीय अवस्था में जल जो हमारे आसपास की वायु होती है उसमें उपस्थित जलवाष्प जो है इसके रूप में मिलता है, ठीक। ये तीनों जो अवस्थाएँ हैं इनका क्या होता है, सतत चक्रण द्वारा ही पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा जो है वो स्थिर बनी रहती है, ठीक। तो ये हो गया, हम लोग ने जो जल चक्र था उसके आधार पर जल की जो तीनों अवस्थाएँ थी उनको भी देख लिया। अब यहाँ पे देखिए, हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपम्पों से जल प्राप्त करता है। बड़े भाग की अगर आप बात करें, तो ये जो कुछ सोर्स हैं जहाँ से वाटर का मतलब प्राप्ति होती है, वाटर की प्राप्ति होती है, ठीक है। यहाँ दी गई है कि भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो कैसे हम भूमिगत जल जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है इसकी हम कैसे प्राप्ति करेंगे। तो यहाँ पर देखिए,
जैसे आपने देखा होगा कि अपने घर के आसपास भी आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी में अब लोगों के घरों में ही बोरिंग के द्वारा जो है पानी घर में ही प्रोवाइडेड है, उनको नल वगैरह ये कहीं जा करके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें क्या है, पाइप डालने से ही अब बोरिंग करते समय में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर अब पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जब बोरिंग करी जाती है तो पाइप को डाला जाता है और उस स्थान तक डाला जाता है जहाँ पे हर एक जो मिट्टी के अंदर छेद हैं उन सब में पानी भरा होगा, ठीक है, पत्थरों के बीच में होगा। उसकी ऊपरी परत जो होती है, उसकी ऊपरी परत जो होती है उसको भौम जल स्तर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। यह स्तर पृथ्वी की सतह से 1 मीटर अंदर से लेकर अनेक मीटर की गहराई तक हो सकता है, मतलब 1 मीटर अंदर से लेकर के और गहराई तक हो सकता है। इस स्तर से नीचे पाए जाने वाला जल ही क्या होता है, जल भौम होता है, यानी कि भूमिगत जल होता है, ठीक है। अब भौम जल, जल भर और भौम जल स्तर, ये क्या है? तो यहाँ पे देखिए, वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों तथा जल मिट्टी से रिस कर, अब ये जो तालाब, झील हैं, इन सब से जो जल है वो मिट्टी से रिस कर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों में को भर देता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतःस्पंदन कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अतः इन प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति होती है। ये सारी जो प्रक्रियाएं दिखाई जा रही हैं, इन्हीं से ही जो भूमिगत जल है वो क्या है, रिसने के बाद ही तो वहाँ पे जो है स्टोर होगा भूमिगत जल, लेकिन वो भी क्या है, सीमित होता है। तो उसका अगर हम स्टोरेज, अगर जो है मतलब स्टोर होने की प्रोसेस अगर ख़त्म हो जाए और सिर्फ हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि भौम जल की जो पुनः परिपूर्ति होती है वो ये जो इस अंतःस्पंदन वाली जो प्रोसेस है इन सबके द्वारा होती है, ठीक। अब क्या है, भौम जल स्तर के नीचे मृदा, कठोर चट मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित होता है। इन भंडारों को ही हम क्या बोलते हैं, जल भर बोलते हैं, ठीक है। और इस जल को सामान्यतः नल कूपों के द्वारा निकाल लिया जाता है। नल कूप है या बोरिंग है, इन सब के द्वारा जो है ये भौम जल या जल भर जो होता है इसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, भौम जल स्तर का गिरना, अब स्तर का गिरना क्या यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, भौम जल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा के जल का रिसना है। वर्षा की जल अगर रिसेगा नहीं तो भौम जल की पुनः पूर्ति नहीं हो पाएगी। कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल स्तर में गिरावट आती है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि, वन रोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौम जल स्तर को प्रभावित करता है। देखिए इन सारी चीज़ों में हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि भौम जल स्तर के लिए जो वर्षा का जल है उसका रिसाव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रिसाव के लिए पहली बात तो प्रॉपर वे में वर्षा होनी चाहिए, दूसरी बात कि मिट्टी जहाँ कच्ची होगी, मतलब रोडें या जो है ज़मीन जहाँ पे कच्ची होगी वहीं पे ही तो रिसाव हो पाएगा। तो आजकल क्या हो रहा है कि ये जो औद्योगिकरण वगैरह हो जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि रोड बन रही है तो कच्ची ज़मीनें कहीं मतलब मेजॉरिटी में कच्ची ज़मीनें कहीं मिली नहीं रही हैं, तो जिससे रिसाव भी कम हो रहा है। और एक यह भी यहाँ पे जो बताया गया है कि आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसे कभी कभी क्या होता है कि भूकंप आ गया तो भूकंप भी क्या होता है कि जो भूमि जल स्तर जो होता है इसको डिसबैलेंस कर देता है या उसके स्तर को गिरा देता है, ठीक है। तो ये सारे भी कई काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता समान नहीं है, ठीक है। इसके अनेक कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण वर्षा का वितरण है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे केरल वगैरह के एरिया में आप देखेंगे तो वहाँ पे इतनी वर्षा होती है कि दिन भर, मेघालय में तो दिन भर मतलब जो है साल के मतलब 9 महीने वहाँ पे या 10 महीने वहाँ पे क्या होते हैं, वर्षा ही होती रहती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ बिल्कुल वर्षा ही नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान, ठीक। तो अब यहाँ पे और भी ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे बिहार की ही अगर बात करें तो उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाती है, इतनी वर्षा होती है कि उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। वहीं अगर दक्षिण बिहार की हम बात करें तो वहाँ कम वर्षा होने की वजह से सूखा पड़ जाता है। बिहार की ही दो यहाँ पे जो है मतलब दो स्थानों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मेनली वर्षा के जो मतलब कि असमान वितरण जो है उसकी वजह से भी होता है। अब जल प्रबंधन की अगर हम बात करें तो जल प्रबंधन का, कि जिस तरीके से भूमिगत जल का रिसाव नहीं हो पा रहा है तो उसकी अगर हमें बचत करनी है या जो हमारे लिए उपयोगी जल है उसकी अगर बचत करनी है तो हमें जल प्रबंधन करना ज़रूरी है। तो वर्षा जल के संग्रह के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। यह जल प्रबंधन एवं भूमिगत जल की
पुनः पूर्ति का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, वर्षा जल का ये जो संग्रहण है, अगर हम इसका जो है जल प्रबंधन के रूप में अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो भूमिगत जल में की जो पुनः पूर्ति वो भी आसानी से हो सकती है। हमारे राज्य में अनेक स्थानों पर जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी, चहबचों और डबड़ों, आहरे, मतलब ये सब कुछ चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं। ठीक है, बावड़ी बहुत पुराना जो है ये सिस्टम है, जीने वाले जो कुएँ होते हैं। ठीक है, अब तो राजस्थान के कुछ ऐसे एरिए थे जहाँ पे ये सब पहले बनाए गए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे एरिए थे जो वर्षा की बहुत ज़्यादा कमी होंगे तो उनका भी इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये ड्रिप सिंचाई की जो है पिक्चर दिखाई गई है। ड्रिप सिंचाई होती क्या है इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अब किसान जो है वो खेतों में सिंचाई के लिए, मतलब जल की मितव्यता उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है अगर सही तरीके से खेती करनी है। तो यहाँ पे क्या है, ड्रिप यानी कि बूंद सिंचाई के बारे में हम जान सकते हैं। इस विधि में कम व्यास के पाइपों से जल पौधों की जड़ों तक पहुँचाया जाता है और जल की बर्बादी नहीं होती। अक्सर ड्रिप सिंचाई का यूज़ उन जगहों पर किया जाता है जैसे सब्जियों की फसलें उगाई जा रही हैं या फलों की, या फिर मतलब छोटी जो खेती होती है, छोटे स्तर पर जो खेती होती है, तो ऐसी जगहों पर हमें क्या, ड्रिप सिंचाई बहुत यूज़फुल होती है। अब क्या होता है, क्योंकि उन पेड़ों को जो सब्जी वगैरह होते हैं या इन सब जो पेड़ पौधे होते हैं, इनको सिर्फ इनकी जड़ों तक ही पानी की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा इनको, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम कतई जो है नहला दिया जाए इस तरीके से नहीं पानी की ज़रूरत होती, तो हम यहाँ पे पानी का वेस्ट हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसी बिहाफ पर ये जो ड्रिप सिंचाई है उसको यहाँ पे दिया गया कि डायरेक्टली इनकी पौधों की जड़ों तक ही पानी को पहुँचा दिया जाए। ठीक, इसके अलावा पौधों को भोजन बनाने तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से मनुष्यों को आवश्यकता है उसी तरीके से पौधों को भी जल की आवश्यकता है। अब हम लोग जंगल की बात करते हैं, तो जंगल की बात में देखिए, हमारे देश में कई भागों में घने जंगल हैं। बिहार राज्य में भी कुछ जगह बड़े जंगल हैं। जंगलों में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास आदि पाए जाते हैं। अब जंगलों में कई तरीके के जीव जंतु भी हैं, जैसे बाघ है, रीछ है, हिरण है, बंदर है, तरह तरह के पक्षी, कीट पतंगे आदि, ये सभी पाए जाते हैं। ये सब जंगल की मतलब बताई गई है कि जंगल का एनवायरनमेंट बताया गया है कि वहाँ पे किस तरीके के पेड़ पौधे और जानवर पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप यहाँ पे देखेंगे, इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंटली नोट डाउन ज़रूर करिएगा। ठीक है, जंगलों में पाई जाने वाली वन्य संपदा और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया है। राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए इसे क्या कर दिया, आरक्षित घोषित कर दिया है। उदाहरण के लिए जैसे पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य है, जो कि किसके लिए, बाघ यानी टाइगर के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। इसके अलावा वैशाली जिले के बरेला अभयारण्य, मुंगरे जिले में भीमबंध अभयारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य, रोहतास जिले में कैमूर अभयारण्य, ये सब बिहार के प्रमुख जंगल हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ गाँव और शहर भी हैं जहाँ पर छोटे छोटे जंगल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जंगल के क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार इनमें अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे और जंतु भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, परंतु उत्तरी बिहार के अगर चंपारण क्षेत्र में देखें तो प्रमुखता वहाँ पे चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान, ये देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है बात कि उत्तरी बिहार के जो चंपारण क्षेत्र है वहाँ पे प्रमुखता चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं, और गर्मी ज़्यादा पड़ने वाले इलाके में उस मौसम के सागवान पत्ते झड़ने वाले पेड़ या कम पानी होने पर हरे रह सकने वाले पलाश के पेड़ मिलते हैं। ठीक है, इन जंगलों में जीव जंतु की प्रायः उन वनस्पतियों पर निर्भर रह सकने वाले, मतलब कहने का है कि इन जंगलों में जीव जंतु भी वही मिलते हैं जो उन वनस्पतियों पर रह सकते हैं, मतलब जीवित रह सकते हैं या डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक, ओके, अब आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि क्या गोंद और लाख जंगल से प्राप्त किए जाते हैं, और कागज़ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो देखिए, पहली बात तो कागज़ के लिए हमें कपास का पेड़ चाहिए होता है। अब ये गोंद और लाख ये आपको ढूंढना होगा। ठीक है, अगर एंड तक के मुझे मतलब टाइम ज़्यादा नहीं हो तो मैं खुद ही आपको ये बता दूंगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, वृक्ष की बात करते हैं। विभिन्न पादप तथा वृक्ष एक समान नहीं होते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, जलवायु पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब उसी के ही आधार पर वन में जो खाद्य श्रृंखला है इनकी हम बात करें। खाद्य श्रृंखला क्या होती है,
तो हमने ये पहले ही हम लोग पिछले जो क्लास है उसमें भी पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी किसे कहते हैं, परपोषी किसे कहते हैं और मृतपोषी किसे कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया था। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सभी जीव जो मांसाहारी शाकाहारी सर्वाहारी अंततः पौधे पर ही ये सब निर्भर करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलेंगे, स्वपोषी। और मांसाहारी शाकाहारी सर्वाहारी जितने भी जंतु हैं वो सब जो पौधों पर निर्भर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परपोषी। अब इन परपोषियों के मरने पर जो उनको खाने या उनके विघटन का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं मृतपोषी, ठीक। ये तीनों टर्म हो गया, ये है आपकी खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में क्या है, खाद्य श्रृंखला एक चेन है जो इस पूरे अर्थ पर जीव जंतुओं की संख्या को बैलेंस बनाए रखती है। अब जैसे पेड़ पौधे हैं, इनको कौन खा रहा है, टिड्डी खा रहे हैं। टिड्डियों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है, अगर उनको खाने वाले जीव ना होंगे तो उन पूरे जो है अर्थ पर हमें टिड्डी ही फिर दिखेंगे। आपने कभी अगर देखा होगा टिड्डियों का आक्रमण कितना भयानक होता है, ठीक है। तो घास को कौन खा रहा है, टिड्डी, घास है, पेड़ पौधे हैं जो भी हैं, ठीक है। इसको कौन खाता है, मेंढक। मेंढक को कौन खा रहा है, स्नेक। और स्नेक को कौन खा जाता है, बाघ, सॉरी गरुड़, गरुड़ या फिर बाज वगैरह, ठीक है। अब ये जो गरुड़ है इसको मरने पर इसको कौन खा जाएगा, सूक्ष्म जंतु या सूक्ष्म जीवाणु वगैरह, ठीक। तो ये आपकी जो है खाद्य श्रृंखला है, घास, कीट, मेंढक, सांप, गरुड़। और इसी आधार पर एक और खाद्य श्रृंखला दिखाई गई, घास, हिरण, बाघ, ठीक है। क्योंकि घास को खाने वाला शाकाहारी होगा, अब शाकाहारी को खाने वाला क्या होगा, जो है मांसाहारी होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो क्रम अभी हमने देखा इस क्रम को ही हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, सभी में परस्पर संबंध होते हैं, ये सब मिलकर खाद्य श्रृंखला के रूप में होते हैं, ठीक। इसके आगे हम देखेंगे वन की मिट्टी। मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस होता है, ये हम जानते हैं कि सबसे ऊपरी परत जो होती है मिट्टी की उसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है। उसी में ही मेनली मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो उसी में ही प्रेजेंट रहते हैं, तभी वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आम तथा लीची के बगीचों में ढेर सारी सूखी पत्तियाँ ज़मीन पर परत के रूप में देख सकते हैं आप। इन पर छोटे छोटे जीव देखे जा सकते हैं जो इन पत्तियों घास फूस को सड़ा कर ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि जिन्हें हम लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं, ठीक है। अब ये सूक्ष्म जीव जो कि अपघटक कहलाते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, अपघटक, ठीक है। तो अपघटक किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीवों को कहते हैं जो सड़ी गली चीज़ों को जो है उनकी जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। सूखी पत्तियों के नीचे ह्यूमस की परत देखी जा सकती है, मरे हुए जीव जंतु की भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं जो अंततः पौधों के पोषण में सहायक होते हैं और जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है और साथ ही पोषण का चक्र भी पूरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंस दिखाई गई है अपघटकों की। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, वास्तव में अपघटन एक रासायनिक क्रिया, अपघटन क्या है, एक रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अब यहाँ पे अपघटन को एक रासायनिक अभिक्रिया बताई गई है, ठीक है। अब जैसे प्रकृति में वनों से गैसों का संतुलन कुछ इस प्रकार है, जैसे अब यहाँ पे वन में गैस या वन से जो भोजन बनने की जो प्रोसेस है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। पहले हम यहाँ देख लेते हैं, वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। वन ही एक ऐसी मेजॉरिटी में सोर्स होते हैं जो पूरे वातावरण में, पूरे वायुमंडल में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो संतुलन है इसको बनाए रखने का काम करते हैं। अब जैसे पहले देख लीजिए पादप, क्योंकि वन में एक दो पादप तो होते नहीं है, अच्छे मतलब काफ़ी संख्या में होते हैं। तो पादप जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन के निर्माण में ग्लूकोज के साथ वो ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं, ठीक है, और उसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है उनके जो पौधे होते हैं उनके रेस्पायरेशन की तुलना में, जितने वो श्वसन के दौरान में ऑक्सीजन को लेते हैं। अब इसके अलावा ये जो ऑक्सीजन जो है जो कि पौधों के द्वारा प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रही है, ये जंतुओं के द्वारा श्वसन के फॉर्म में ले ली जाती है और जंतु रिलीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ पादप जो होते हैं वो भोजन बनाने में कर लेते हैं। इस तरीके से ये जो चक्र है वो बैलेंस में बना रहता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, वन शाकाहारियों के लिए अत्यधिक भोजन की व्यवस्था कर उनकी संख्या वृद्धि में सहायक होते हैं, जिससे मांसाहारी जीवों के लिए भी प्रचुर आहार उपलब्ध होता है। जंतुओं की विभिन्न, अब मांसाहारी जितने ज़्यादा शाकाहारी होंगे उतना ही जो है मांसाहारी जो जंतु हैं उनके लिए भोजन प्रोवाइडेड होगा।
जंतुओं की विभिन्न किस्में वन के पुनर्जन्म एवं वृद्धि में सहायक होती हैं। ये यहाँ पे जंतुओं की किस्में बता रही हैं, ठीक है। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होते हैं, और इस प्रकार वन एक गतिक सजीव। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि वन को एक गतिक सजीव इकाई कहा जाता है जो जीवन तथा जीवन क्षमता से भरपूर है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट डाउन करिएगा। इसके अलावा देखिए, वर्षा जल वन में वृक्षों की पत्तियों, तनों, लता एवं वितानों से होकर फुहारे के भौम जल रूप में पृथ्वी पर आता है और अंतःस्रावित होकर भौम जल स्तर की वृद्धि करता है। क्या है वर्षा जल? ये देखिए, वर्षा जल का यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बात करी गई है वर्षा जल की, कि वृक्षों का क्या इंपॉर्टेंट रोल है वर्षा जल को बैलेंस करने का। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अगर पेड़ वगैरह नहीं, पेड़ क्या करते हैं कि लगातार जो बारिश हो रही होती है उसको क्या करते हैं, बिखरा देते हैं। अगर हम, आपने खुद देखा होगा कि अगर फोर्सफुली हम पानी किसी मिट्टी पर डालें तो वो मिट्टी के अंदर रिसाव तो कम होगा, लेकिन उसको काट करके उसकी जो उपजाऊ वाली जो परत है उसको बहा ले जाएगा। सेम प्रोसेस ऐसी ही होती है, लेकिन जो जंगल यानी वन वगैरह जो होते हैं इसमें क्या होता है, वो जो फोर्सफुली जो पानी आसमान से गिर रहा है, ठीक है, उसको ये क्या करते हैं, बिखरा देते हैं। और बिखरने के बाद जब वो ज़मीन पर जाता है तो बहुत हल्का और बहुत मतलब ऐसे कि जैसे छिड़काव बस कर दिया जाए, और वो आसानी से मतलब भूमि के द्वारा अवशोषित भी कर लिया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से वन जो होते हैं वो भू अपर्दन को भी रोकता है। भू अपर्दन के दौरान में क्या होता है कि जो हमारी उपजाऊ परत होती है भूमि की, ह्यूमस वाली, वो बह जाती है, ठीक है। तो वही भू अपर्दन को भी रोकता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बनाए रखता है। नदियों को जल की आपूर्ति भी होती है और बाढ़ से हमारी रक्षा भी होती है, ठीक। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ओके दोस्तों, ये है अध्याय दो, जंतुओं में पोषण। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें समझ लीजिए मेजॉरिटी में क्वेश्चंस आपके इसमें से फंसने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ने भी यहाँ पे डिस्कस किया था, जितने भी जंतु हैं वो सब क्या है कि पेड़ पौधों पर ही अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयवों की संरचना अत्यंत जटिल होती है। ग्रहण किए गए भोजन से शरीर कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है, जिससे कुछ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। जैसे कहने का मतलब है, जो भोजन हमने खाया है, अब उन भोजनों के आधार पर हमारा जो शरीर होता है वो भी कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है, ठीक है, जो हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं, जबकि कुछ अपशिष्ट या अनुपयोगी पदार्थ भी उत्पन्न होता है, जो कि इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि पाचन की प्रोसेस जो होती है, इसमें जो चीज़ हम लोग खा रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग तो एक जो है उसका बेस लेवल एक तरीके से खा रहे होते हैं, कि जैसे हम लोग ने हरी सब्जियाँ खाई, अब हरी सब्जियों से हमें मिनरल्स, विटामिन या क्या क्या चीज़ें हमको मिल रही हैं, ये तो हमारी बॉडी के द्वारा जो अब्जॉर्ब किया जाएगा वो काम करेगा, यानी कि हमारा डाइजेशन उसमें जो है, उसके जो जटिल पदार्थ हैं उनके संश्लेषण की कई, उससे जो है नए कई ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं वो हमारी ही बॉडी संश्लेषित करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारी बॉडी जो उपयोगी पदार्थ हैं उनको बनाने का भी काम करती है, और साथ ही साथ जो अपशिष्ट यानी कि जो खराब पदार्थ हैं उनको बॉडी से निकालने का भी काम करती है, इसी को ही हम पाचन बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा देखिए, विभिन्न जीवों की सारी शारीरिक बनावट और भोजन ग्रहण करने वाले अंगों में भी विविधता नजर आती है, जैसे कि मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूलों का रस चूस सकते हैं। इसी के अलावा मरमर पक्षी, जिसे हमिंगबर्ड बोलते हैं, या फूल चूस, सन बर्ड जो होती है, इसकी लंबी पतली चूंच भी फूलों का रस चूसने में उसे मदद देती है। गौरैया अपनी छोटी चूंच से आसानी से अन्न कण और कीड़े मकोड़े जो है वो चुन सकती हैं। इसी के अलावा शेर के मजबूत जबड़े जो होते हैं और पैने दांत, मतलब वो जो नुकीले वाले जो दांत होते हैं, ठीक है, शिकार को पकड़ने और उसे फाड़ने में मदद करते हैं। अजगर सांप अपने मुंह से बड़े शिकार को आसानी से निगल जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, और भी यहाँ पे दिखाई गई कि छीलना, चबाना, कुतरना, भेदना, पकड़ना, निगलना, चूसना, स्पंजी आदि, ये सब भोजन ग्रहण की विधियाँ हैं। भोजन ग्रहण की विधियाँ इंपॉर्टेंटली पूछी जाती हैं कि कौन कौन सी आएंगी, ठीक है। तो ये सब की अलग अलग जंतुओं में भोजन ग्रहण करने के अलग अलग यहाँ पे तरीके बताए गए हैं।
अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तो पार्ट है कि मानव में जो पाचन क्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मनुष्य में भोजन अंतग्रहण मुख के द्वारा होता है, यानी कि भोजन को जब वो खाएगा तो किससे खाएगा, मुख से खाएगा, मुँह से खाएगा, फिर उसका पाचन और उपयोग होता है। फिर मुँह से जब वो किसी भी भोजन को मतलब कि जब वो खाता है तो वो जब बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी के अलग अलग जो पाचन प्रक्रिया में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो सारे अंग अपना काम कंप्लीट करते हैं पाचन को, भोजन को पचाने में, ठीक है। और इसके अलावा भोजन का बिना पचा हुआ जो भाग अनुपयोगी जो भाग होता है वो मल के रूप में शरीर से बाहर भी निष्कासित हो जाता है। यहाँ पे देखिए, मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से होकर के गुजरता है जो कि मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा द्वार तक या फिर मल द्वार तक जाती है। इसी जो लंबी सी जो नलिका है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके कितने पार्ट हैं वो यहाँ पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मुख गुहिका, क्योंकि मुँह से अंदर मुख गुहिका से लेकर के जो है ये क्या है मल द्वार तक जाती है, ठीक है। तो मुख गुहिका जिसे माउथ कैविटी या ओरल कैविटी को बोलते हैं। इसके बाद उसका सेकंड पार्ट यानी मुख गुहिका जहाँ पे एंड होती है वहाँ से ग्रसिका या ग्रास नली जिसे फूड पाइप या फिर ईसोफेगस कहते हैं, पतली सी, ठीक है, आगे की तरफ जाती है। इसके बाद यही जो ईसोफेगस है ये आहार नाल फिर ईसोफेगस से होते हुए आगे जाकर के कुछ थोड़ी चौड़ी हो जाती है जिसे हम आमाशय स्टमक बोलते हैं, और यही आगे जाके कुंडलित हो जाती है जो कि छोटी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती है। इसके बाद थोड़ी सी कम कुंडलित होकर के चौड़ी चौड़ी थोड़ी सी राउंड वे शेप में होती है, इसे हम बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और इसके बाद यही लार्ज इंटेस्टाइन आगे जाकर के मलाशय यानी कि रेक्टम का काम करती है, और फिर वो गुदा या मल द्वार यानी एनस का जो है एनएस एंड पॉइंट होता है जहाँ से जो अनुपयोगी भोजन होता है वो शरीर से बाहर चला जाता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस पिक्चर में कि मुख द्वार जो है वहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आपकी ग्रसिका यानी ईसोफेगस है, ईसोफेगस आगे जाकर के चौड़ी हो जाती है जो कि आमाशय का बनाती है, आमाशय के बाद ये छोटी इंटेस्टाइन से यहाँ पे पूरा ये जो दिख रही है ये छोटी आंत में कन्वर्ट होगी, फिर यही छोटी आंत यहाँ से होते हुए बड़ी आंत में बनेगी, ठीक है। बड़ी आंत ही ये वाला जो पोर्शन है ये आपका मलाशय वाला है और ये वाला जो पोर्शन है वो होता है एनस, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, आहार नाल के इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियाँ भी जुड़ी होती हैं जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि, जो कि क्या करती हैं, पाचक रसों का स्राव करती हैं। ये पाचक रस ही भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयव में सरल रूप में बदलने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रंथियाँ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो कि मिल करके ही पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अगर हम चरण की बात करें तो चरण भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि मानव में पोषण के विभिन्न चरण क्या होते हैं। अंतग्रहण किसे कहते हैं, आहार को प्राप्त करके मुख से अंदर ग्रहण करना यानी कि मुंह से अंदर डालना, और उसी मुंह में जब डालते हैं तो हम दांत से भोजन को चबाने का भी काम करते हैं, यानी वहाँ पे मशीनरी जो वर्क है उसको भी मेंशन किया जाता है, ये किसमें आता है, अंतग्रहण में। इसके बाद आती है पाचन, पाचन में भोजन की जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है, वही जटिल अवयवों से सरल अवयवों में कन्वर्ट किया जाता है। पाचन की प्रक्रिया मुँह से आरंभ हो करके आंत तक पूरी हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, जिसमें अनेक रासायनिक स्राव यानी अनेक एंजाइम जो है वो हेल्प करते हैं। इसके बाद जब पाचन की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाती है तब अवशोषण होता है। पाचित भोजन का रसांगुल जो होते हैं, छोटे छोटे विलाई छोटी आंत में प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं के द्वारा ही भोजन को ग्रहण करके या अवशोषित करके रक्त में मिला दिया जाता है। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे। स्वांगीकरण बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, स्वांगीकरण अक्सर पूछा जाता है, क्या होता है, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग। अब ये जो पाचन हो गया भोजन का ना, इसका जो यूज़ किया जाता है बॉडी में जा करके या जो रक्त में मिल करके जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट यूज़ किया है या प्रोटीन यूज़ किया है, मतलब प्रोटीन का जो पचने के बाद सरल फॉर्म है, ये हमारी बॉडी में कहाँ जा करके यूज़ हो रहा है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्वांगीकरण। इसके बाद आता है निष्क्रमण, अपचित भोजन को आहार नाल से बाहर निकाल देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आहार नाल का सबसे पहला भाग है मुख एवं मुख गुहिका बक्कल कैविटी। हमारी मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होते हैं और साथ ही लार ग्रंथियाँ भी होती हैं जिससे लार निकलती है। दांत भोजन को चबाने छोटे छोटे टुकड़े बनाने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जबड़ों में ये धंसे होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो दांत हैं उनके आकार के ही आधार पर हम जो है दांतों को अलग अलग जो है मतलब उनके नाम भी देते हैं। अभी आगे देखते हैं क्या क्या इनका नाम दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे है कि अगर हम बच्चों की बात करें, ठीक है, तो हमारे जीवन काल में दांत जो है वो दो बार, दो दांतों के दो सेट विकसित होते हैं।
पहला सेट जो होता है वो बचपन में ही निकल जाता है और 8 साल की आयु तक के वो गिर जाता है। और ऐसे जो दांत होते हैं इनको हम दूध के दांत यानी मिल्क टीथ बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा पुनः इनके स्थान पर स्थायी, जैसे ये गिरते हैं और फिर इनकी स्थान पर स्थायी दांत निकल आते हैं, इन्हें परमानेंट टीथ बोलते हैं। और ये जो टीथ होते हैं वो अगर एक बार गिर गए तो दोबारा अब नहीं निकलेंगे दांत, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर आपको आर्टिफिशियल टीथ ही लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे दांतों के आकार बताए गए हैं, यानी कि उनके काम के आधार पर दांत जो हमारे मुंह में होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले आपका आता है कृतंग, जिसे हम बोलते हैं इंसीजर, इसे काटने का काम करते हैं। तो यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे के जो 4 दांत होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कृतंग यानी इंसीजर बोलते हैं। इससे हम जैसे फ्रूट्स वगैरह कुछ भी है उसको काटने का, तो ऊपर नीचे दोनों ही क्या होंगे, कृतंग होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है रद्दनक, जिसे हम बोलते हैं कैनाइंस, ये फाड़ने का काम करता है। ये 2 ऊपर 2 नीचे यानी 4 होते हैं नुकीले वाले जो होते हैं। इसके बाद आता है अर्ग चवर्लक प्रीमोलर, पीसने और चबाने का ये काम करते हैं, ठीक है। तो प्रीमोलर आप यहाँ पे देख सकते हैं अग्र चवर्लक, तो ये इस तरीके के वाले जो होते हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा चवर्लक जो होते हैं जिन्हें हम मोरल बोलते हैं, ये पीसने चबाने का काम करते हैं, ठीक है। मोलर चवर्लक जो है वो मोलर है। तो ये जो है पीछे के जो 3 दांत आपको दिख रहे हैं, ये जो है मतलब कि 6 नीचे 6 ऊपर प्रेजेंट होंगे क्या, मोलर टीथ, ठीक। तो ये जो है इनके कार्य के आधार पर जो दांत हैं उनका भी वर्गीकरण हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्गीकरण है। इसके आगे आप देखिए मुख गुहिका में दांत की जो सजावट है वो कैसे होती है, दांतों की ऊपरी परत जिसे हम इनेमल कहते हैं, जो व्हाइट कलर का जो कैप आपको दिख रही होती है वो इनेमल होती है। हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है और ये मुख्यतः कैल्शियम एनेमिलिन नामक लवण तथा प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो इनेमल है ये शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है और ये किससे मिलकर बना होता है, एनेमिलिन नामक लवण या और साथ ही साथ प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जिनसे लार स्रावित होता है। लार भोजन को मुलायम बनाने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। लार हमारे भोजन को मुलायम बनाने में मदद करता है। लार में पानी, लवण तथा चिकना म्यूकस प्रेजेंट होता है। और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भोजन के पाचन मुँह से ही लार में उपस्थित जो एंजाइम है जिसका नाम है एमाइलेज, इसकी उपस्थिति में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। और ये किस भोजन के किस पार्ट का पाचन करता है, तो ये मंड यानी स्टार्च या फिर शर्करा यानी मतलब कि स्टार्च का पाचन करता है। जो हम लोग चावल खाते हैं उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, इसको क्या करता है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है मुंह में, ठीक है। तो सलाइवा में प्रेजेंट जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये, तो एंजाइम रासायनिक स्राव है जो आहार नाल के विभिन्न भाग एवं ग्रंथियों से स्रावित होता है और भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रतिक्रिया कर पाचन में मदद करता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए चावल में मंड यानी स्टार्च होता है और लार मंड को किस में बदल देती है, शर्करा यानी शुगर में, ग्लूकोज में बदल देती है। इसके अलावा देखिए मुंह में जीभ भी होती है जो कि एक मांसल संरचना, एक पेशीय अंग है। जीभ आगे की ओर स्वतंत्र और पीछे की ओर मुख गुहिका के निचले भाग से जुड़ी रहती है। यह मुख का व्यस्ततम अंग है, मतलब हमेशा बिजी रहने वाला है। जीभ मुख के भोजन को इधर उधर करने, मिलाने, निगलने, इन सारी चीज़ों में इसका काम होता है। इसमें जो है टेस्ट बड्स जो होती हैं ये पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड की बात करी जा रही है, ठीक है, जिनकी मदद से हम चीज़ों का स्वाद लेते हैं। अब स्वाद कलिकाएं जीभ के अलग अलग हिस्से में प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमारे मुंह में आपने देखा होगा कि आपको अपने जो टंग है इससे खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, ये सारे टेस्ट का जो पता चलता है वो किसकी वजह से होता है, यही जो टेस्ट बड्स हैं इन्हीं की मदद से, ठीक है, खट्टा कड़वेपन का अनुभव होता है। इसके अलावा देखिए जीभ हमें साफ, स्पष्ट बोलने और शुद्ध उच्चारण करने में मदद करती है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। इसके अलावा देखिए दांत सुरक्षा या स्वास्थ्य का आधार, दातुन करते समय दातुन तथा हाथ की उंगलियों के से मसूड़े को अवश्य मलना चाहिए। जैसे यहाँ बोला कि जब आप ब्रश कर रहे हो तो दांतों को अपनी उंगलियों से अवश्य मतलब कि एक बार पहले मल ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है, अवश्य मलना चाहिए। इससे मसूड़ों में रक्त संचार जो है वो बढ़ता है तथा दांत मजबूत होते हैं। और खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली भी करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कुछ मीठे पदार्थ हैं, चॉकलेट वगैरह खा करके अगर आप सो जा रहे हैं तो वो क्या होगा कि वो तो हमारी दांतों में फंसे रहते हैं और फिर उसके बाद वो एक तरीके से बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया के पनपने का एक जुगाड़ बन जाते हैं, ठीक है।
ये जीवाणु दांतों में फंसे अन्य कण और शर्करा को अम्ल में बदल देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, जो दांतों की ऊपरी परत यानी इनेमल को क्षति पहुंचाते हैं तथा दांतों के बीच छेद बना लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि इनेमल जो हमारे हैं उनके बीच में काला काला छेद बनने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब वो ज़्यादा होने लग जाता है तो उसमें अनाज फंसने लग जाते हैं। मसूड़ों से रक्त और मवाद आने लग जाता है। जब वो, अब जाहिर सी बात है, अनाज मुंह में फंसेगा या दांत के अंदर फंसेगा तो वो निकल सकता नहीं है, वो धीरे धीरे सड़ेगा। सड़ने के बाद क्या होगा, मसूड़ों से खून आने लग जाएगा या फिर उसमें मवाद बनने लग जाएगा। मुंह से दुर्गंध भी आने लग जाती है। धीरे धीरे दांत कमज़ोर होकर टूटने लग जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया मुख द्वार या फिर बक्कल कैविटी के बारे में पूरा नॉलेज हो गई। अब इसके बाद आती है भोजन नली, यानी कि जिसे हम फूड पाइप या एसोफेगस बोलते हैं ग्रसिका। भोजन नली लंबी पतली मांसल संरचना होती है जो मुख गुहिका को आमाशय से जोड़ती है। ठीक है, मुख द्वारा चबाया गया भोजन ग्रास नली या ग्रसिका यानी एसोफेगस में जाता है। ग्रास नली की मांसपेशियों में संकुचन होता है। ठीक है, इस संकुचन के कारण ही भोजन नीचे की ओर सरकता है। संकुचन ऊपर जो मतलब एक मूवमेंट होता है एसोफेगस का, जिसकी वजह से भोजन नीचे की ओर सरकता है और आमाशय तक पहुँच जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि खाते समय खाने के कुछ समय बाद ही हमें वोमिटिंग फील होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हमारा भोजन जो है वो सही तरीके से पच नहीं पाता है या आमाशय तक नहीं पहुंच पाता है या फिर आमाशय इसको स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसे में जो है हमें उल्टी या मतलब अब जाहिर सी बात है स्वीकार नहीं कर रहा तो उल्टी दशा में फेंकने का काम करेगा। तो जब उल्टी दशा में फेंकेगा तो इसी को ही हम कहते हैं कि वोमिटिंग फील हो रही है। ठीक है, अच्छा बाकी देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा कि ग्रसिका में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं। आपने देखा है कि ये जो एसोफेगस जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है उससे उसका ऊपर का जो पोर्शन होता है इसमें वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं। ठीक है, अब ये जो वायु नली है वास्तव में श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है, मतलब ये एक दूसरे के आगे पीछे होती हैं। एक बार यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए, देखिए जो ग्रसिका की हम बात करें वो ये है एसोफेगस और वही श्वास नली जो है वो आगे की नली होती है। श्वास नली आगे रहती है, ग्रसिका पीछे रहती है। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों का ये जो रास्ता है जिसे हम ये वाला जो रास्ता है ये सेम होता है इनका। ठीक, ये जो सेम होता है तो इस वजह से अब मान लीजिए हमने खाना खाया तो ये श्वास नली में भी तो जा सकता है, तो श्वास नली को कवर करने के लिए इसके ऊपर एक पत्ती जैसी संरचना मांसल संरचना होती है जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, यही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, वास्तव में श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये वॉल्व का काम एक ढक्कन की तरह काम करती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन नली में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि रास्ता एक ही है इस वजह से। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि खासकर तब जब आप तेज़ी से खाते हैं और खाते समय बातें भी करते हैं अचानक खांसी या छींक या हिचकी आने लग जाती है और आपको घुटन महसूस होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि संयोगवश क्या होता है कि भोजन के कण जो होते हैं वो श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आमाशय यानी स्टमक। आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। जितनी पॉइंट यहाँ पे बताई जा रही हैं सब कुछ ना कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में बन करके आ जाता है। आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ये मोटी दीवार वाली थैलीनुमा मांसल संरचना है जो कि यू आकार की होती है। ठीक है, इसका शेप याद रखिए। इसमें से होकर भोजन छोटी आंत तक पहुँचता है। आमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रस होता है, श्लेष्मा यानी म्यूकस प्रेजेंट होती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड श्रावित होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जो जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देता है और साथ ही साथ भोजन का माध्यम जो है वो अम्लीय बनाता है। इससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। यानी कि आमाशय में जो पाचक रस या आमाशय में अग्नाशय एक जो है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अग्नाशय क्या होता है, उसके द्वारा जो पाचक रस का श्रावण होता है, कुछ ऐसे पाचक रस होते हैं जो अम्लीय माध्यम में सक्रिय होते हैं। तो इस वजह से तो भोजन ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उन पाचक रसों को सक्रिय करने में मदद करता है। पाचक रस, अब यहाँ पे आमाशय के में जो पाचक रस होते हैं वो भोजन के जो प्रोटीन वाला भाग होता है उनको अमीनो अम्ल जैसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आमाशय में जो पाचक रस होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को उनके सरल भाग जो अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं। ठीक है, इसी पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि कैसे ये जो है आमाशय में जो मतलब कि जो एसिड है उसका श्रावण कैसे होता है, पाचन की क्रिया कैसे होती है। 6 जून 1922 को एलेक्सिन सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हो गया, उसके आमाशय में छेद हो गया। विलियम व्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक ने इसका इलाज किया। इलाज से उसकी जान तो बच गई लेकिन चिकित्सक उसके आमाशय के छेद को बंद नहीं कर पाया और उसने उसे पट्टी से ढक दिया। डॉक्टर व्यूमॉन्ट ने आमाशय की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त करने के अवसर के रूप में इस चीज़ को लिया। उन्होंने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि
यह भी पाया गया कि आमाशय छोटी आंत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। इन खोजों से ये निष्कर्ष निकला कि निष्कर्ष पर पहुंचना आसान हो गया कि पाचन मूलतः रासायनिक क्रिया है ना कि यांत्रिक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रसायन जो होते हैं वो अपना वर्क यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आती है छोटी आंत। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडली संरचना है। इसमें यकृत, अग्नाशय और स्वयं इसकी दीवारों से श्राव प्राप्त होता है। यानी कह सकते हैं कि छोटी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है पदार्थों का, जो भी हमने खाया है स्टार्च का या प्रोटीन का, ठीक है, इन सब का जो जो है मतलब डाइजेशन होता है वो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे यकृत का भी जो श्रावण है वो मिल रहा है, अग्नाशय का भी एंजाइम्स वगैरह मिल रहे हैं और स्वयं जो छोटी आंत की दीवारें हैं वो भी कुछ एंजाइम्स का श्रावण करती हैं। अब ये सब जो ग्लैंड हैं उनका क्या रोल है? यकृत यानी लिवर से प्राप्त स्राव, ये गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ये ग्लैंड कही जाती है। यह आमाशय के ऊपर भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है और पित्त रस श्रावित करती है, ठीक है, बाइल जूस को श्रावण करती है, जो एक थैलीनुमा संरचना जिसे पित्ताशय कहते हैं उसमें संग्रहित होता है। यानी ये ध्यान रखिएगा, पित्ताशय सिर्फ पित्त रस का संग्रहण करने का काम करता है और साथ ही साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन करता है, ठीक है, तो पित्त रस मतलब उसको गाढ़ा करने का काम करता है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पित्तरस क्या करता है? वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद आता है अग्नाशय, इससे प्राप्त स्राव, अग्नाशय हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि जो कि आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे श्रावित अग्नाशयिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया कर उन्हें सरल रूप में बदल देता है। कहने का मतलब है अग्नाशयी रस जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा छोटी आंत की जो दीवारें हैं उनसे जो प्राप्त श्राव है, छोटी आंत की दीवारों से श्रावित जो आंत रस है वो आंशिक रूप से पचे हुए, अभी क्या कंप्लीट नहीं, मतलब सरल पदार्थों में जो एकदम मतलब सिंपल यूनिट है उसमें भी कन्वर्जन नहीं हुआ है, ठीक है, छोटी आंत में ये जो अग्नाशय से रस प्राप्त हुआ है। अब छोटी आंत का जो रस होता है ये क्या करता है कि ये आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया करके उसे पूर्ण रूप से पचा देता है। कहने का मतलब है यही छोटी आंत जो उसका ड्यूडेनम वाला पोर्शन होता है वहाँ पे सारे रस जब मिल जाते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन का काम पूरा हो जाता है। इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट सरल कंप्लीट डाइजेशन इसलिए बोलते हैं, एकदम सरल जो सिंपल यूनिट होती है सरल ग्लूकोज प्रोटीन अमीनो अम्ल में और वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल जाता है, ठीक है। इसके अलावा छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण कैसे होगा? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति यानी दीवार से होता है और इस जो आंतरिक भित्ति जो दीवार होती है इसमें उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम दीर्घरोम या रसांगुल या विलाई बोलते हैं, ठीक है। दीर्घरोम पचे भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देता है, यानी पचा हुआ भोजन जो है इसका अवशोषण कहाँ होगा उसको एक जो है मतलब एरिया प्रोवाइड करता है। इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, अवशोषित भोजन इन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचा दिया जाता है जहाँ अनेक जटिल पदार्थों के बनने में उनका उपयोग होता है, ठीक है। अब इसके बाद इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ये जो यही यूज़ करने वाली जो प्रोसेस है ना, इस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण बोलते हैं। श्वसन के क्रम में कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज का विघटन होता है, जब श्वसन हो रहा होता है तो ये जो ग्लूकोज जो कोशिकाओं में स्टोर है अब इसका क्या होगा? विघटन होगा। जब इसका विघटन होगा तो ऑक्सीजन की सहायता से, और ये विघटन किसकी मदद से हो रहा है? ऑक्सीजन, क्योंकि श्वसन में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन की मदद से ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक हो जाता है। ये जब ब्रेक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ये परिवर्तित होता है, साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है। भोजन का बिना पचा भाग तथा जिसका अवशोषण नहीं होता है वो बड़ी आंत से मतलब बड़ी आंत में चला जाता है। अब बड़ी आंत की भी बात कर लें, बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई जो होती है लगभग 1.5 मीटर होती है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण, अच्छा यहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब कि अवशोषण होता है जल और कुछ लवणों का, बाकी बचा हुआ अपचित पदार्थ अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय से बाहर निकाल दिया जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? निष्कासन कहलाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बताया गया दस्त और जीवन रक्षक घोल की बारे में बात करी गई कि पूरी पाचन प्रोसेस जो थी वो तो हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसा खाना कुछ ऐसा पानी पी लेते हैं जो संक्रमित होता है, तो इससे क्या होता है कि छोटे बच्चे हों या बड़े हों उनमें दस्त जैसी यानी कि बार बार लूज मोशन जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो दस्त के कारण शरीर से अधिक, अब दस्त की कंडीशन में होता क्या है कि शरीर से अधिक मात्रा में जल और लवण की कमी हो जाती है। कभी कभी स्थिति बहुत ज़्यादा घातक
घातक हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उबले जल को ठंडा करें और उसमें चुटकी भर नमक और चीनी का घोल बनाकर प्रभावित व्यक्ति को बार बार देना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल या ORS, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी कहते हैं। मतलब कहने का है कि ये जो जीवन रक्षक घोल जो है वो क्या है, ORS है, ठीक है, शक्कर नमक का पाउडर। घास चरने वाले जो जंतु हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है ये भी फटाफट देख लेते हैं। घास में भी सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि घास में प्रेजेंट होता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव सहित बहुत से जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है और मानव को के साथ साथ कुछ और जंतु भी हैं वो भी सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। घास खाने वाले जितने जंतु होते हैं उनमें जो आमाशय होता है, अब जाहिर सी बात है घास खा रहे हैं तो सेलुलोज का पाचन भी होगा, तो इनमें एक विशेष तरीके का आमाशय का आकार भी रहता है। तो जो आमाशय होता है जो कि चार भागों में बटा रहता है, पहला भाग सबसे बड़ा होता है जिसे हम र्यूमेन कहते हैं। ये पूछा जाता है कि घास चरने वाले जो जानवर होते हैं, जंतु जो होते हैं, इनका कौन सा ऐसा भाग या आमाशय का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको र्यूमेन बोला जाता है। तो आमाशय पहले तो चार भागों में बटा होता है, दूसरा सबसे बड़ा भाग जो होता है वो र्यूमेन कहलाता है। निगला हुआ घास प्रथम आमाशय यानी कि र्यूमेन जो रूमेन है रूमेन में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसे जुगाल या फिर कड कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ जानवरों को हम जुगाली करने वाले जानवर भी बोलते हैं। होता क्या है कि जैसे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो फटाफट से जो है, मतलब कि जो भी घास फूस वगैरह होती है उसको सिर्फ खाते हैं और निकलते जाते हैं, हम उनको ये नहीं देखते कि वो चबा रहे हैं। निगले हुए खाने को वो जुगाल यानी कि ये पुनः मुंह में लाकर चबाते हैं। जुगाल किसे कहते हैं, निगल लिया जो खाना है उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो मतलब कि जब खाने के लिए कुछ होता नहीं तो आपने देखा होगा कि मुंह चलाते रहते हैं। ठीक है, तो यही निगले हुए खाने को वापस से मुंह में ला करके वो चबाने का काम करते हैं। जब वे खा नहीं रहे होते हैं तभी उनका मुंह चलता है, मतलब मुख चलता रहता है। इस प्रक्रिया को जुगाली या फिर पागुर बोलते हैं। और इन जंतुओं से सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता, मतलब इस तरीके के जो जंतु होते हैं इनमें जो सेलुलोज का पाचन होता है वो कुछ जीवाणुओं की सहायता से होता है। यही जो जीवाणु होते हैं ये र्यूमन में होते हैं, वही जो मतलब सबसे बड़ा जो है आमाशय का पार्ट है। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत से वहाँ छोटी आंत और वहाँ से बड़ी आंत में जाता है। छोटी और बड़ी आंत के बीच में एक थैली नुमा संरचना होती है, छोटी और बड़ी आंत के बीच में, जिसे अधनाल या सीकम बोलते हैं। ठीक है, अधनाल में भी कुछ जीवाणु होते हैं। मनुष्य में जो अधनाल होती है जिसको मनुष्यों में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जहाँ पे छोटी आंत का एंड होता है और बड़ी आंत की शुरुआत होती है वहाँ पे होती है। मनुष्य में अधनाल बहुत छोटी होती है और ये इसमें जीवाणु अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये एक खाली एक जो है मतलब कि अनुपयोगी ऑर्गन की तरह प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन इसी वजह से नहीं होता क्योंकि इसमें सेलुलोज के पाचन के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके अलावा देखिए, जल स्रोत, तालाब, झील, नम मिट्टी में पाए जाने वाला अमीबा, ऐसी ही कुछ कोशिकीय जीव हैं। इसके भोजन, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं लेकिन उनमें भी हमें पाचन देखने को मिलता है। तो वही बताया गया है, इसके भोजन अंतःग्रहण और पाचन का तरीका अत्यंत रोचक है। इसकी कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है जिसके अंदर कोशिका द्रव भरा होता है और इसमें केंद्रक तथा अनेक धानियाँ यानी खाली स्थान होते हैं। अमीबा की विशेषता यह है कि वह लगातार अपनी आकार और स्थिति को बदलता रहता है। ये अमीबा आपको दिखाया गया है, ये एक पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर है मतलब एक अमीबा का जिसमें न्यूक्लियस वगैरह मतलब जो भी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं वो रहती हैं। इसका स्ट्रक्चर हमेशा चेंज रहता है। ठीक है, अब ये भोजन कैसे करता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये अपना आकार चेंज करता रहता है, इसमें एक या अधिक उंगली जैसे उभार निकलते हैं जिसे हम पादाब या कृत्रिम पांव सीडोपोडिया कहते हैं। सीडोपोडिया किसमें पाया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये किसमें पाया जाता है, अमीबा में। ये अमीबा गति करने तथा भोजन पकड़ने में मदद करते हैं। अब होता क्या है कि अमीबा जब आहार करता है तो अमीबा का आहार सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु और कवक होते हैं। जब ये भोजन के संपर्क में आता है तथा या फिर भोजन इसके पास होता है आसपास होता है तभी अपने पादाबों को विकसित कर भोजन के चारों तरफ से घेर लेता है। दोनों ओर से विकसित पादाब आपस में मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं। भोजन इस प्रकार बने खाद्य धानी में बंद हो जाता है। अब इस प्रकार से जो भोजन होता है जिसको जो है अमीबा ने कैप्चर किया है ये क्या होगा, खाद्य धानी जो होती है उसमें जाकर के बंद हो जाएगा और अमीबा की कोशिका के अंदर चला जाता है खाद्यानी से होते हुए। खाद्यानी जो होती है इसमें पाचक रस, अब अमीबा की जो खाद्यानी है उसमें पाचक रस प्रेजेंट होते हैं। पाचक रसों का श्राव होता है जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रकार पचा हुआ भोजन धीरे धीरे फिर अवशोषित हो जाता है और जो कि अमीबा की वृद्धि, रख रखाव और उसकी संख्या वृद्धि यानी गुणन में मदद करता है। यहाँ भी बिना पचा हुआ
अपशिष्ट पदार्थ जो है वो खाद धानी से होकर के कोशिका द्वारा बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब यह है कि अमीबा में जो खाद धानी प्रेजेंट होती है वही ही जो भोजन उसने ग्रहण किया है उसको पचाने का काम या पाचक रस जो है उनकी श्रावण का काम उसको पचाने का काम करता है, साथ ही साथ अपचित जो भोजन है उसको बाहर निकालने का काम भी खाद धानी करती है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था वो यहाँ पर कम्प्लीट हो गया। इस वीडियो में आपकी दो ही चैप्टर रहेंगे। किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। सेवन्थ क्लास को सीरियसली, सेवन्थ और एट्थ क्लास को लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।